हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे जिंदगी के फर्स्ट ब्लॉग में। इस चैनल पर अब लगातार आपको ब्लॉग वीडियो मिलते रहेंगे। अब ब्लॉग वीडियो होते क्या हैं वो तो आप जानते ही होंगे। किसी व्यक्ति विशेष या किसी फैमिली के बारे में सब कुछ पर्सनल डिटेल्स शेयर की जाती हैं। कौन कब कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, उनके फैमिली के साथ कैसे रिलेशन हैं और कहाँ कहाँ पर जाकर किन लोगों के साथ में कैसे अनुभव महसूस करता है। अब मैं बता दूँ, फ़िलहाल सुबह के 10 बज चुके हैं और रात भर से यहाँ पर बारिश हो रही थी। जैसे ही घर पर रिमझिम बारिश हो रही थी और अब भी आप बारिश की बूंदों को देख पा रहे होंगे। ये देखिए, नीचे मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो बारिश की जो टिमटिम है वो आपको सुन ही रहा होगा। तो मैं सुबह से घर से निकल चुका हूँ और घर से फ़िलहाल मैं लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे सामने आप यहाँ पर इस वीडियो में इस तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप वो जो वहाँ पर पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ी देख रहे हैं छोटी, जिसे यहाँ पर डूंगरी कहते हैं लोकल भाषा में, उस पर मैं जाकर आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ का हम अनुभव शेयर करते हैं, आसपास का एरिया कैसा दिखाई देता है। हालांकि यहाँ पर चारों ओर हम उस पहाड़ी के ऊपर से देखेंगे तो किस तरीके से ये एरिया है, तो इसको एक्सप्लोर करता हूँ मैं वहाँ पर चल के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे ज़िंदगी के पहले व्लॉग में। और मैं आपको बता दूं, अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, बारिश हो रही है और इसी बारिश के मौसम में मैं घर से बाहर निकल चुका हूं व्लॉग शूटिंग के लिए। कुछ कपड़े गीले से हैं, भीग रहे हैं, मेरा मन नहीं लग रहा था यार घर पे। काफ़ी दिनों से मैं अकेला रहना चाह रहा था, वीरान सा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस होता है कि अब मुझे ऑल इंडिया में घूमकर आपको भी साथ में सब कुछ अनुभव शेयर करने चाहिए और दिखाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि कल परसों मैं फेसबुक आईडी ऐसे ओपन करके देख ही रहा था कि एक भाई ने लिख रखा था कि मैं मेरी ज़िंदगी को आज से ख़त्म समझता हूँ। यानी कि वो अभी तक इस दुनिया में है, लेकिन उसने कमेंट ऐसा कर दिया कि मैं मेरी ज़िंदगी को ख़त्म समझता हूँ, कि मेरी ज़िंदगी है ही नहीं। तो उसके पीछे उसका लॉजिक क्या था, लेकिन उन शब्दों को मैंने पढ़ा, बार बार मैं उसको पढ़ता ही रह गया कि आखिर इस व्यक्ति ने ऐसा लिखा क्यों है कि भाई तू तो अभी तो इस दुनिया में है, लोग जिनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है और जो ज़िंदगी मौत से जूझ रहे हैं, मौत के जो इतने करीब हैं, वो लोग चाहते हैं, जीना चाहते हैं और ज़िंदगी चाहते हैं, जीवनदान चाहते हैं, लेकिन तुम जिंदा होते हुए भी ऐसी घोषणाएं कर रहे हो, तो ऐसा क्यों है? निश्चित रूप से ही मुझे लग रहा था कि उस भाई ने जो है, अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, चलते चलते मैं बात करूँगा और फिलहाल मैं उस डूंगरी तक, उस पहाड़ी तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि कितनी देर में मैं पहुंच पा रहा हूं। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, फ़िलहाल मेरे हाथ में एक छत्ता है और छत्ते को भी, ये छत्ते की भी एक विशेष पहचान है और कुछ लोग तो पहचान ही गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसलिए यहां से निकल पड़ा हूं कि मैं वहां जाकर यार आपसे मन की बातें शेयर कर सकूं, आपसे दिल खोल कर बात कर सकूं। क्योंकि घर पर जो है ना, मम्मी पापा हैं और उनके सामने मेरी कोई भी बात बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हालांकि आजकल वो मुझे कुछ बोल नहीं पाते हैं, वो इसलिए भी कि उनको ये लगता है कि बेटा अभी समझदार हो गया है, बड़ा हो गया है
और इनको ज़्यादा डांटने से, फटकारने से, कुछ कहने से कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ये जैसा समझदार है और जैसा इसको उचित लगेगा वैसा ये करेगा, और वैसा हर कोई करता भी है। ये उम्र ऐसी ही होती है जब आप अबू 20 से 30 के बीच होते हैं, तो उस टाइम में आपको किसी को यानी कि कोई आपको नॉलेज देता है, तो वो नॉलेज देता तो है लेकिन आपके माइंड से कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि आप पर बाहर है, आपको पता नहीं, वो लोग आपको एक पहाड़ी दिख रही है। इस पहाड़ी पर जाकर मैं आपसे बात करूँगा और मेरे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि ये एक व्लॉग वीडियो है और व्लॉग वीडियो में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के पर्सनल जो मोमेंट्स होते हैं उन पर बातचीत कर सकता है, किसी के साथ में शेयर कर सकता है। लेकिन अन्य जो कैटेगरी के जो वीडियोस होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, उन पर हम ऐसी वैसी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से चलना पड़ता है और उसी कैटेगरी के व्यूवर्स, फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमें देखते हैं। तो अच्छा भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर पहाड़ी के बस करीब मैं पहुँच ही गया हूँ, और पहुँचते पहुँचते यहाँ पर रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा यार। इसके चारों ओर तारों से देखे बाउंड्री की हुई है, तार दिख रहे होंगे आपको, ये जो गायों के लिए विशेष रूप से ये तार बाउंड्री की गई है इनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मेरे को एक रास्ता दिख रहा है, थोड़ा सा इनसे मैं निकलने की कोशिश करता हूँ तारों के बीच से, और ये इनके बीच से, ये देखिए यहाँ पर थोड़े इस तरीके से लगे हुए, तो इनसे मैं निकल चुका हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद अब मैं फिर देखता हूँ, एक बार और क्रॉस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ये देखिए ये जो तार लगे हुए हैं, और मैं इस पर्वत के यहाँ नज़दीक पहुँच चुका हूँ पहाड़ी के, तो मैं इनसे भी क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। देखिए निकलता हूँ यार बीच से, ओ माय गॉड कितना मुश्किल है यार, छत्ता मेरा, अरे यार छत्ता फंस रहा है क्या, चलो निकाल लेता हूँ, निकल गया। ओ मेरा ट्राइपॉड कैमरा सब भीग गया है यार, अभी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इस पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के पास भी मैं जाऊंगा यहाँ पर। ये देख सकते हैं किस तरीके का ये पहाड़ है, यहाँ से काटकर कुछ पहाड़ का जो पत्थर या जिसे हम यहाँ साधारण भाषा में मोरम कहते हैं, उनको निकालकर यहाँ से कहीं किसी के घर पर डाला गया है, या फिर कहीं रोड पर रास्ते में डाला गया होगा। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पर पहाड़ी पर, और इस पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए किस तरीके से थोड़ा सा दुर्लभ रास्ता है, फिर भी मैं यहाँ पर, आज काफ़ी दिनों से घर से बाहर निकला था मैं, कहीं घर से बाहर अक्सर जाता नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यार घूम के आते हैं ऐसे मौसम में। मैं दिखाता हूँ एक नज़ारा यहाँ से चारों तरफ का, किस तरीके से आपको ये नज़ारा देखने को मिलता है। थोड़ा खेजड़ी हैं कि भाई राजस्थान है, तो राजस्थान में कुछ ऐसा ही सीन आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हरियाली यहाँ पर आपको दिख नहीं रही होगी इस वीडियो में, देख सकते हैं। फिर भी खेजड़ी बहुत खड़ी हैं, जिसे समी कहते हैं हम, कल्प जो है रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कह देते हैं। और ये आग के कुछ पेड़ खड़े हैं यार, आग जिसे हम आंकड़ा बोलते हैं यार राजस्थानी भाषा में। इस आंकड़े से मुझे याद आया, ये जो आग के पेड़ यहाँ पर खड़े हैं ना, इससे मुझे याद आया कि एक भाई था जो बोल रहा था यार 5 रुपए का मेरा कागज़ का नोट फट गया है, तो मैं इसका क्या करूं यार, 5 रुपए की फेविक्विक आती है, अगर फेविक्विक लेता हूं तो, और टेप लेता हूं तो छोटी टेप 5 रुपए की आती है, और नोट भी 5 रुपए का है। तो मैंने यार ये बोल दिया, भाई जा इसका एक ही काम कर, ये जो आंकड़ा है ना, इसका जो दूध आता है उसको निकालो, उससे चिपका दे तो तेरा नोट चल जाएगा। पहले जब हम छोटे होते थे तो वहाँ पर छोटे हम जब भी होते थे तो कोई नोट फट जाता था ना, उसको आग के दूध चिपका के, और फिर
दुकानदार को दे आते थे। और बड़े मज़े की बात तो यह भी है कि दुकानदार ही कई बार क्या होता था, इसको बड़ा लपेट के और फिर देते थे, तो वो ले भी ले लेता था और फिर उसकी टॉफ़ी या फिर कुछ भी खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें हैं हम लेकर आते थे, तो वो मिल जाती थी बड़े आसानी से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं पहाड़ी की इस चोटी पर आ चुका हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, ठीक है। अब ये मंदिर बालाजी का या भैरव जी का जो भी है, और यहाँ पर मैं मंदिर में धोख लगा लेता हूँ। एक मंदिर यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर चोटी पर और ऊंची गहरी पहाड़ी पर मैं जाता हूँ, फिर आपको यहाँ का सीन दिखाने की कोशिश करता हूँ। यार बारिश तो हो ही रही है, टप टप आपको सुन ही रहा होगा छत्ते की जो लग रही है, और यहाँ पर बहुत तेज़ हवा जो चल रही है, ठीक है। बारिश में भीगते हुए ही ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के पीछे जो है यहाँ पर पत्थर की खुदाई की गई है। ये देखिए, यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर इस तरीके से, मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ का एक सीन आपको दिखाने के लिए आया हूँ, और किस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो आसपास का एरिया दिखता है। ये देखिए, सब कुछ वीरान नज़र आता है, बिल्कुल हरियाली। यहाँ पर जाटियाँ जाटियाँ हैं, और देखिए उस साइड जो मकान दिख रहे हैं उस साइड बस्ती है, आप देख पा रहे होंगे। और मैं भीगते हुए ये वीडियो शूट करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए चारों तरफ से किस तरीके से। ये देखिए बारिश टपक टपक, बूंदे टपक रही हैं। एक मैं सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, फिलहाल बारिश हो रही है और बारिश में मैं इस पहाड़ी पर यहाँ पर खड़ा हूँ। तो बारिश में जब गांव का कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो निश्चित रूप से वह सोच रहा होगा कि ये ऐसा पागल इंसान कौन है जो बारिश में यहाँ पर इस इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा है और इस तरीके से हाथ से पता नहीं क्या कर रहा है, क्योंकि हाथ में मेरे जो कैमरा और ट्राइपॉड ये देख पा रहे हैं, तो उनको लग रहा होगा कि ये क्या है आखिर ऐसा, तो वो भी सोचने के लिए मजबूर होंगे। लेकिन अब मेरा एक अलग तरीके का यहाँ पर जोश और जुनून, और मैंने ये सोचा है कि क्यों ना मैं यहाँ पर राजस्थान में नहीं बल्कि ऑल इंडिया में जो भी कोई हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, या फिर मैं कहूँ पब्लिक प्लेसेस जितने भी हैं ना, वहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैं जाता हूँ वीडियो शूटिंग करके व्लॉग वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ, साथ ही में वहाँ की जो लोकल जनता होगी उनसे मैं जुड़कर आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज की कुछ बातें जो यूनिक होंगी आपको बताने की सिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल बहरहाल यहाँ पर मैं एक ये जो ऐसा कुछ बड़ा सा पत्थर है इस पर, खैर फिलहाल देखिए पानी किस तरीके से भरा हुआ है, बैठ तो नहीं सकता मैं, तो चलते चलते हम बात करते हैं और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से घर की ओर प्रस्थान करता हूँ। ओ भाई भीग चुका हूँ यार मैं पूरा, पीछे से मेरी ये जो टी शर्ट है सारी गिल्ली गिल्ली हो गई है, भीग चुकी है। और ये जो टी शर्ट पर यहाँ पर ये लोगो देख रहे हैं ना, ये आपके भाई का दूसरा चैनल है जिस पर मैं यूट्यूब से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। और आप किसी भी कैटेगरी का कोई चैनल बनाते हैं तो वहाँ पर भी आज मेरा फुल कॉन्फिडेंस है कि इस पर 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने ही वाले हैं कुछ ही मिनट में। जी हाँ, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ इसके कुछ ही मिनट में, या मैं कहूँ आज घंटे दो घंटे बाद 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। और ये जो ब्लॉगिंग जयपुर वाला जो चैनल है इस पर निश्चित रूप से ही मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियोज प्रोवाइड करवाऊँगा जिन्हें देख कर आप वास्तव में एक तरीके से इंस्पायर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ में आपका मनोरंजन, और इसके अलावा कुछ ऐसी जगह जो आप शायद
अपनी लाइफ में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाते हैं ना तो गवर्नमेंट जॉब की अपनी एक सीमाएं होती हैं, बॉर्डर होते हैं, और उनके अनुसार आपको जॉब को ध्यान में रखते हुए ही आपका कहीं घूमना फिरना आना जाना होता है। तो इस वजह से आप ये देखें, मैं फिर इसके नीचे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो पेड़ है ना, ये आप देख पा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर केयर। ये केयर का पेड़ है या पौधा जो भी है, केयर है। और इसके जो फल लगते हैं उन्हें टीट कहते हैं, टीट, ठीक है, हमारे यहाँ की लोकल की भाषा में, और वैसे सादा भाषा में हम केयर भी कह देते हैं, केयर भी। देखिए बारीक बारीक से इसके केयर लग रहे फ़िलहाल तो नहीं लग रही हैं, मुझे लगा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये टिप टिप इस पर दे दो, मैं सोचा कि नहीं है फिलहाल, है ना। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान में एक जो पंचकूटा सब्जी बनाई जाती है उसमें केयर, कोमठ, गूंदे के फूल, ऐसे करके ये जो है पांच प्रकार के जो फल ये जो मिलाकर और इनको सब्जी बनाई जाती है जिसे पंचकूटा कहते हैं, पंचकूट, ठीक है।